वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मिश्र समानुपात से संबंधित या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से संबंधित या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में इसके शॉर्टकट ट्रिक वाले जो फॉर्मूले बताए उसी के आधार पे इन क्वेश्चन को लगाने हैं। तो यदि आपने इसके पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हो और उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पे जो आदमी है उसको M से इंडिकेट कर दीजिए, यानी कि M1 जो है वो 64 है और 15 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि D1 जो हो गया 15 दिन हो गया। अब उसी काम को 80 आदमी M2 जो है 80 हो गया, और तो 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, यदि आदमियों की संख्या बढ़ी, देखो इसको समझने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की कंडीशन। यदि आदमियों की संख्या देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कम है और यहाँ पे बढ़ रही है। तो जब आदमियों की संख्या अगर बढ़ रही है और यहाँ पे देखिए M2 यहाँ पे दोनों तरह ये देखिए बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 64 है और यहाँ पे D1 है और यहाँ पे D2 है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट में क्या होता है, यदि ये संख्या बढ़ रही है तो ये क्या हो रही है, ये भी बढ़ रही है। तो यही चीज यहाँ पे देखना है, यदि आदमियों की संख्या अगर बढ़ेगी तो दिनों की संख्या यहाँ पे घटेगी। तो जब घटेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे M1 और D1 और इज़ीक्वल टू M2 D2 के हिसाब से ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इसको समझना ये कि M1 D1 और M2 D2 ये होता क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है ये M1 D1 इज़ीक्वल टू M2 D2, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर एक की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरे की घटेगी। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे वैल्यू देखिए कम है और यहाँ पे वैल्यू देखिए बढ़ रही है, तो यहाँ पे दिनों की संख्या कम आई, यहाँ पे दिनों की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे दिनों की संख्या अधिक है और यहाँ पे और कम आएगी। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझिए, यदि आदमियों की संख्या अगर कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, यदि आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। किसी काम को करने में अगर आदमियों की संख्या को क्या करना है, बढ़ा देंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा, अगर आदमियों की संख्या को घटा देंगे तो वो काम देर से होगा, यानी कि दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला है M1 D1 इज़ीक्वल टू M2 D2। तो जब भी आपको M1 और D1 का फॉर्म में अगर दिया हुआ है और M2 D2 के फॉर्म में दिया हो तो क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला लगेगा। इन चारों में से तीन टर्म्स आपको दिए होंगे, चौथा टर्म्स आपको निकालना होगा। तो ये देखिए M1 की वैल्यू है 64 64 और D1 की वैल्यू है 15, M2 वैल्यू कितनी है 80 है, तो D2 वैल्यू निकालनी है। तो आप इधर से ऐसे भी काट सकते हैं और इधर से भी काट सकते हैं। तो इसे 8 8 जो होता है 64, नहीं यहाँ से 8 8 जा 64 और 8 10 जा कितना हो गया 80, 8 10 जा 80, 8 8 जा 64 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 10 कट गया। अब ये मल्टीपल वे में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 क्या बचा, ये पूरा कट गया, बचा कितना 4 और 3, तो 4 और 3 तो 4 3 जा 12, तो यानी कि यहाँ पे काम जो होगा D2 जो होगा इसका जो आंसर 12 दिन आएगा। जब आदमियों की संख्या 64 64 थी तो दिनों की संख्या क्या हो रही थी, 15 15 दिन लग रहे थे। जैसे ही आदमियों की संख्या को बढ़ा दिया गया तो दिनों की संख्या क्या हुई, घट गई, यानी कि एक की वैल्यू घट रही है, दूसरे की वैल्यू, एक की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू घटेगी। तो
तो जब इस तरह का रूल्स अगर होता, इस तरह का अगर क्रम चलता है तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे एम वन डी वन आपको निकालना है। एम वन डी वन इक्वल टू एम टू डी टू के हिसाब से निकलेगा। तो पहले वाले का जो क्वेश्चन था, ये 12 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज है, 40 आदमी 5 घंटे में प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है, एम वन सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन एम वन जो है 40 आदमी, ये वाला क्वेश्चन है तो 40 आदमी है और काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से 5 घंटे, और कितने दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं, 21 दिनों में, 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 आदमी यानी कि M2 जो है 15 हो गया, और वो आवर्स जो दिया H2 जो है वो 8 घंटे हैं। तो हमें दिनों की संख्या निकालनी है, प्रतिदिन के हिसाब से 8 घंटे काम करता है तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे केवल यहाँ पे 3 टर्म्स दिया है और दूसरे फॉर्म में ये कंडीशन भी 3 टर्म्स में दिया है। तो आपको ये मैंने बताया था कि जब एम वन जब आदमियों की संख्या, घंटों की संख्या और दिनों की संख्या दिया हो, ये सब क्या होते हैं, ये मल्टीपल वे में आएंगे, यानी कि इसे हम एम वन एच वन डी वन एम टू एच टू और डी टू के हिसाब से बताया था, यानी कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एम वन की वैल्यू 40 है, एच वन की वैल्यू 5 है, डीनो की संख्या 21 है, तो इनमें से एम टू की वैल्यू कितनी है, एम टू वैल्यू है 15 है और एच टू वैल्यू 8 है और डी टू वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये ऐसी कट जाएगा, 8 वन जा 8, 8 फाइव जा 40, 40 हो गया। अब 5 इंटू 5 इज इंटू 21 और ये 15 है डी टू। इस तरह से भी काट सकते हैं, 5 3 जा होता है 15, 3 से कट गया, 3 7 जा हो गया 21। अब 7 5 35 तो 35, यानी कि 7 5 जा ये बचा, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी आ रही है, 35, तो काम वो होगा 35 दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आंसर आ रहा है। तो ये डेज की संख्या पता चलेगी इस तरीके से। तो जब भी मल्टीपल वे में अगर क्रम बन रहा है तो समझ जाइए वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि संख्या अगर एक की बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, ये ध्यान रखना है इनडायरेक्टली में। अब यहाँ पे देखिए 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम वन जो दिया है, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, 24 आदमी यानी कि 24 मैन, 24 आदमी यानी कि 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी कि डी वन 16 दिनों में समाप्त करते हैं। कौन सा काम है, एक काम को, कोई एक वर्क है उसको हम डब्ल्यू वन मान लेते हैं। यहाँ पे काम की बात हो रही है, काम जो है उसको हम एक मान लेते हैं। किसी एक काम को करने में 16 दिन का वक्त लगता है 24 आदमी के द्वारा, और यदि 12 आदमी एम टू अगर 12 आदमी हो और उसी काम को यानी कि आधे काम को, यानी काम पूरा हो गया है मतलब उसमें से आधा काम अभी बाकी है, तो आधे काम को 1/2 कह सकते हैं, आधे काम को करने में कितने दिन का वक्त लगेगा। पूरे काम को करने में 16 दिन का वक्त लग रहा है और आधे काम को करने में कितने दिन का वक्त लगेगा, यानी कि समय दिन लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, एम वन डी वन अपॉन डब्ल्यू वन एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू, ये क्रम होता है। अगर काम का वो दिया हुआ है, काम किसी भी काम को यानी कि काम है पूरा काम
और आधा काम 1/2, ये वर्किंग का बारे में बता रहा है, उस काम के बारे में। M1 दिया है 24, 24, और D1 दिया 16, और ये एक काम हो गया। M2 जो दिया है 12, D2 निकालना है, और आधा काम 1/2 है, 1/2 हो गया, D2 निकालना है, ये क्रम दिया हुआ है। अब हमें D2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर रहा है, 12 दूनी 24, दो बार में कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 2 × 16 गुणे 1/2, नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे किया, D2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो पूरे काम को करने में 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं, तो वही 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो आधे आदमी यानी कि 12 आदमी हो गए, यानी कि आदमियों की संख्या भी कम हो गई और आधा काम भी करना है, तो आधे काम को कितने दिनों में करेगा, 16 दिन में ही करेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसे 2 बार में काट दिया, और 12 दिन 24, और उसके बाद ये 1/2 उधर चला गया, तो बचेगा क्या, 2 × 16 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच्चा 16 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा आधे आदमी। अब इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं, 10 मजदूरों यानी कि 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपये है, 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। यहाँ पे मजदूरी रेट पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे M1 जो है दिया है 10 मजदूर कितने दिनों में 15 दिन तक काम करते हैं, उनकी मजदूरी, जब जब किसी भी चीज़ की मजदूरी रेट दिया हो, 15 दिनों की मजदूरी हो गई उसकी 1800 रुपये, 10 मजदूरों की 15 दिनों तक की जो मजदूरी है वो 1800 रुपये है। और उसी तरीके से अगर 12 मजदूर लगे हैं तो वो 8 दिनों तक काम करते हैं, तो उनकी मजदूरी रेट क्या होगी। ये M1 D1 और R1 के क्रम में अगर दिया है तो हमेशा ध्यान रखना M1 D1 मल्टीपल वे में जाएगा और R1 जो होगा रेशियो के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीपल वे है, इन दोनों का जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनाएगा, और इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो इनडायरेक्ट बन रहा है। तो M1 D1 upon R1, M2 D2 upon R2, ये क्रम से फॉर्मूले लगते हैं। तो M1 हो गया 10, M D1 हो गया 15, और ये हो गया R1 हो गया 1800, M2 कितना है 12, और D2 है 8, R2 हमें यहाँ निकालना है, यहाँ मजदूरी हमें निकालनी है R2 की वैल्यू। तो इस तरह से सवाल को लगाना है, अब इसका कैलकुलेशन करना है। देखिए पहले इसको कैंसिल कैसे करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा दस गुणे 15 गुणे R2 1812 × 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने ऐसे कर दिया। अब R2 की वैल्यू इधर, इसको R2 की जो वैल्यू बगल वाली है इसको मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो 10 × 15 ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या बच रहा है, इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 × 3 = 15, 5 से कट गया, और ये 5 × 3 = 15, बचा कितना 3, 5 × 6 = 30, 36 आ गया, अब 36 हो गया, ये कटेगा 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 हो गया, 36 × ये हो गया 4 × 8, 36 है, 4 है, 8 है। अब यहाँ पे बचा क्या, 36
36 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 36 इंटू 4, 4 8 जा 32, 4 8 जा कितना हुआ 32 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 इंटू 32 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया, 36 का डबल करेंगे तो 72 हो गया, कट लगाया, 36 जा 18 कैरी हुआ 1, 33 जा 9, 9 में 1 जो 10, तो ये गया 2 और ये 15 आ जाएगा और ये 1 ये, तो कुल मिला के इस तरह से आ जाएगा 1152, यही इसका मजदूरी रेट निकलेगा। तो कुल मिला के आर टू की वैल्यू क्या आ गई, आर टू वैल्यू आ गई 1152 रुपीज लगेगा, इतनी मजदूरी लगेगी। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो बड़ी आसानी से सवाल लगा सकते हैं, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए, यानी कि बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।